इंग्लिश कैसे लिखें आज हम ये देखेंगे। अच्छा पीछे कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? अरे सर ये क्या लिखा हुआ है? सर आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इंग्लिश कैसे लिखे, शब्दों को कैसे लिखना है आज हम ये देखने वाले हैं। लेकिन सर आपने पीछे तो ब्लंडर किया हुआ है, इतनी बड़ी मिस्टेक की है। मैंने कहा क्या मिस्टेक की है बच्चों? देखिए सर आपने कुछ लिखा है, एक बार सर हम पढ़ के बताते हैं। मैंने कहा बताओ यार, बताओ मुझे, पढ़ के बताओ। तो टाबर बोलता है मुझे कि सर देखो आपने लिखा है माय नेम इज राम एंड आई डोंट लाइक मोहन। मैं कि टाबर सही लिखा यार, माय नेम इज राम एंड आई डोंट लाइक मोहन। फिर मोहन इज वेरी लेजी यानी आलसी आदमी, आलसी। We live in a same colony. हम सेम कॉलोनी में रहते हैं भाई साहब। आगे I am not lazy. मैं lazy नहीं हूं। राम lazy नहीं है। And I like English. मुझे English पसंद है। So इसलिए English is my favorite subject. और भाई साहब बोलते वक्त थोड़ी पता चलता है कि मैंने यहां पर मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है टाबरो? पता चला किसी को कि मैंने यहां पर मिस्टेक की है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों कि यहां पर मैंने कोई मिस्टेक की है क्या? कई बच्चे बोल रहे हैं कि जी सर आपने मिस्टेक तो की है, लेकिन आप आए हो फिर मैंने कोई मिस्टेक, हम कैसे बताएं सर आपको आपकी मिस्टेक? बताओ यार मुझे मिस्टेक बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि मुझसे गलती तो हुई है। कहां गलती हुई है ये देखना है मुझे। टाबर बताएंगे तो मजा आएगा, मैं बताऊं तो क्या मतलब। चलो जल्दी से बाकी जो आए हैं उनका वेलकम, ठीक है? बाकी सबको जोड़ दो, एक बार लिंक शेयर कर लो अपने सभी दोस्तों के साथ। ध्रुवी, सोनपुरा, चिराई, क्रेजी, दिनेश वैष्णव, सर एम बड़ा आता है, आपने सर क्यों, ये क्यों बड़ा लिखा है? दिनेश वैष्णव बिल्कुल, मैंने यहां पर बड़े क्यों लिखे अभी बताता हूं। ओ सर आपने क्या क्या गलती की है बताए हम? तो मैंने कहा बताओ टाबरो क्या गलती की है मैंने। तो बच्चे बोलते हैं सर जो हम सेंटेंस लिखते हैं ना, तो मैंने कहा सेंटेंस के सर सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होता है। और मैंने कहा सेंटेंस क्या होता है टाबरो? तो फिर बच्चे बोले सर आपको तो ये भी नहीं आता। मैंने कहा बताओ यार मुझे तो बताओ बच्चों। तो बच्चे बोले कि सर देखो सर ये लिखा हुआ ए, फिर लिखा हुआ पी, फिर लिखा हुआ पी, फिर लिखा हुआ एल, फिर लिखा हुआ ई। सर इनका अलग अलग तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर्स, लेटर्स, अक्षर। तो फिर मैंने क्या, तो फिर ये मतलब इसका मतलब क्या निकलता है? तो सर इनको अगर जोड़ दें अपन, कि सर इनको अगर अपन जोड़ देना तो सर बनता है एप्पल। क्या बनता है? एप्पल, ए डबल पी एल ई। ओके, तो मैंने कहा एप्पल, एप्पल यानी सेव, खावार हुआ सेव, आदि वालो एप्पल फॉल मारो। हाँ सर के सर वो इस एप्पल। तो मतलब ये एप्पल एक क्या हुआ, शब्द हुआ। अक्षर मिलके, लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं टाबरो? वर्ड बनाते हैं। लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। फिर मैंने बच्चों को पूछा तो यार सेंटेंस क्या होता है? तो बच्चे बोले क्या सर आपको ये भी नहीं पता? मैंने कहा बताओ टाबरो। तो बच्चे बोलते सर ये जो शब्द होते हैं ना, शब्द कि सर ये जो शब्द मिलके, ये जो शब्द है, ये शब्द मिलके सर सेंटेंस बनता है। अच्छा, मैंने कहा ये सेंटेंस, शब्द मिलके सेंटेंस बनता है। अच्छा, तो ये पूरा ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे दिमाग में आई बात, ये क्या हो गया टाबरो, ये सेंटेंस हो गया। जोर दो सभी अपने दोस्तों को फटाफट। कृष मालवीय सभी का वेलकम है, आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान देना। तो अच्छा ये सेंटेंस है टाबरो, अच्छा तो ये सेंटेंस है। तो अब मैंने बोला आगे बताओ यार। तो मैंने कहा पूरा गलत है क्या? जगह सर आपने तो पूरा पैराग्राफ ही गलत लिखा है। मैंने कहा पैराग्राफ ये क्या होता है? जगह सर ये भी नहीं पता आपको? मैंने कहा बताओ यार टाबरो। तो अब क्या हुआ, बच्चे बोलते सर वर्ड जब मिलते जाते हैं, वर्ड जब मिलते जाते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। अच्छा, मैंने कहा ये सेंटेंस है। तो फिर मैंने कहा पैराग्राफ? तो बच्चे बोलते सर ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें क्या होता है सर, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस जुड़ते जाते हैं वाक्य के साथ, एक वाक्य, एक और वाक्य, एक और वाक्य, एक बीजो बीजो ये जुड़ता जाए, जैसर्वण्य वाक्य के, जैसर्वण्य पैराग्राफ के। तो मैंने कहा बताओ टाबरो। देखिए सर देखो यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, ये पहला सेंटेंस। फिर सर मोहन से लगा के यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, ये दूसरा सेंटेंस। फिर वी से लगा के कॉलोनी के सर यहां इंग्लिश स्टेट यहां एंड तक, ये सर चौथा सेंटेंस। तो सेंटेंस सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बन गए। तो मेरे बारे टाबरो मेरे निबंध आता। हां सर वही, क्या अलग अलग पैराग्राफ मिलके क्या बन जाता है, निबंध बन जाता है।
आ रही है बात दिमाग में, जो मैं गहरी बात बताना चाह रहा हूं वो आ रही है। आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, गलती कहां हो रही है वो सुनना। बोलते वक्त किसी को नहीं पता चलने वाला है कि वो कैपिटल लेटर है या वो स्मॉल लेटर है, अपर केस है या अपने अपर केस है या फिर लोअर केस है, लेकिन जब आप लिखने पे आओगे तो पता चल जाएगा, वादी विकर जाएंगे मेरे टाबरों कि इसको कितनी इंग्लिश आती है। तो चलिए गलतियों को देखते हैं, गलतियां कहां है। तो बच्चे ने मुझे बताया, सर पहला अक्षर कैपिटल होता है। अच्छा, मैंने कहा पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो मैंने कहा क्या गलती हुई? देखिए सर, ये माए है ना, माए, इसका एम बड़ा आता है। अच्छा, मैंने कहा ये सिस्टम है? बच्चा बोला हाँ सर। तो मतलब कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लो, अगर वो शुरू हो रहा है, कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है तो उस सेंटेंस का जो पहला अक्षर, जो शब्द है, क्या है, सेंटेंस का जो पहला शब्द है उसका पहला अक्षर हमेशा बेटा जी बड़ा आएगा। कैसा आएगा? बड़ा आएगा ना सर। बाकी फिर मैंने कहा बाकी टाबरों बाकी छोटे मोटे लिखो। सर मजाक क्या, मजाक थोड़ी है सर, बाकी के जो शब्द है ना सर, बाकी के शब्द वो सब स्मॉल में आएंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसे, तो मैंने कहा करके बताओ यार। तो बच्चे बोले सर ये देखो एन, ये भी आपने तो सर खोटा कर लिया। तो मैंने कहा क्या करना था? तो बच्चा बोलता सर यहाँ पर एन ए एम ई, बाकी सब सही है, ये एन सर आपने खोटा कर लिया। मैंने कहा अरे ऐसे मुझे और बता। फिर बोलता है सर ईस तो बिल्कुल सही है। ओ सर, अब सर एक और बात सुनो। मैंने कहा बताओ टाबरो। तो बच्चे बोले सर यहाँ पर ये जो राम लिखा है ना, ये तो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम है? सर वो जय श्री राम, अपो राम यो राम अटे। सर राम तो इतना पावन नाम है कि सारे पाप धुल जाते हैं और आप यहाँ पाप कर रहे हो। मैंने कहा क्या पाप किया रे भाई, मैंने क्या पाप किया? टाबर के सर राम किसी का नाम है और इतना महान नाम है, कोई भी नाम आए। बच्चे बोले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी जाति वस्तु स्थान किसी का भी नाम आ जाए दुनिया में टाबरो, किसी भी नाम का पहला अक्षर हिमालय, भाई नाम है पर्वतों का हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय का एच क्या आएगा? बड़ा आएगा। वो सर गंगा मैया, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, कोई आवाज आ रही है गाड़ी की। गंगा मैया, गंगा का जी क्या आएगा? बड़ा आएगा। यमुना मैया, यमुना नदी, यमुना का वाई कैसा आएगा? बड़ा आएगा। दीपेश सर डी कैसा आएगा? बड़ा आएगा। रमेश, रमेश का आर कैसा आएगा? बड़े आएगा। चुनीलाल, चुनीलाल का ची सी कैसा आएगा? बड़ा आएगा। पन्नालाल, पन्नालाल का पी कैसा आएगा? बड़ा आएगा। टाबरो तो यहाँ पर आर, ये जो आर है ये कैसा आता है? बड़ा आता है। बाकी टाबरो जगह बाकी सर इजी है। ओ सर ये डी यहाँ पर खोटा कर लिया। मैंने कहा क्यों? जगह सर देखो सेंटेंस है ना सर, सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा, ये थोड़ी बड़ा आएगा। अच्छा मैंने कहा तो बच्चों, फिर मैंने कहा मैं ऐसे लिख दूं? जगह हाँ सर ये सही है आपके। फिर बच्चे वापस बोले अरे सर वापस मिस्टेक कर रहे। मैंने कहाँ मिस्टेक हो गई? तो बच्चे बोलते सर ये ई आई जो है ना आई, ये आई बड़ा घमंडी है सर। मैंने कहा कैसे? देखे सर आई अहम कोई काम का नहीं है सर। मैंने कहा कैसे? सर रावण देख लो घमंड किया था। मैं क्या आगे? देखे सर देखो असली पता बस राम जी को मारिए तो बने मैं पसे आगे। देखे सर आई कहीं पर भी आए, आई अगर अकेला आ रहा है तो यू टोने ना रहा डॉन बने ना रहा। तो मैंने कहा आगे? देखे सर आई हमेशा बड़ा लिखना आप। और यार मैंने कहा इतनी बड़ी मिस्टेक कर ली, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बताओ टाबरो क्या करना? तो आई कैसा बड़ा आएगा के? अच्छा अच्छा अच्छा। तो टाबर ने मुझे बताया सर आई हमेशा बड़ा लिखना। मैं ओके Now I will never make a mistake. Okay, अब मैंने कर दिया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आई कैसा आएगा? बड़ा आएगा टाबरो। अब आगे आई डोंट लाइक, ओ सर यहाँ पर तो आप बहुत बढ़िया लिखा आई डोंट लाइक, बाकी तो सर बरोबर। ओ सर 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 उबा रहे जो गोपी और असाम में, क्यों काबू टाबरो? देखे सर मोहन, मोहन भी तो कितना प्यारा नाम है, जग में सुंदर दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या श्याम। आगे तो मोहन टाबरो, यहाँ पर अब क्या होगा? ओ सर मोहन का एम, मोहन का एम कैसा आएगा टाबरो? बड़ा आएगा, क्योंकि मोहन किसी का क्या है? किसी का नाम है, और किसी का भी नाम कहीं पर भी आ जाए प्रॉपर नाउन, नाम का पहला अक्षर कैसा आता है टाबरो? बड़ा आता है, बड़ा। आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना आप। ओहो सभी का वेलकम है, गुड इवनिंग सर, सुगना देवी, कृष्ण राठौर, सिराज खान, चिरायु चौहान, दिनेश वैष्णव, सभी का वेलकम है। बच्चों सभी को जोड़ दो यार, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, फटाफट लाइक कर दो। आगे बढ़ता हूं फटाफट में, और आगे से आगे शेयर कर लेना। तो इंपॉर्टेंट बात सर मुझे ये कि सर आपको क्या पता चली? मैंने कहा देखो टाबरो मेरे को दो बातें पता चली फिलहाल, तो दो बातें कैसे, घनी बातें टाबरो पता चली है सर, बच्चे बोलने लगे। मैंने कहा क्या बताओ? देखे सर देखो आपको मैंने लेटर बता दिया। मैंने कहा ठीक है। बच्चों ने बोला सर वर्ड बता दिया मैंने आपको, सेंटेंस क्या होता है बता दिया, पैराग्राफ क्या होता है बता दिया, निबंध क्या होता है बता दिया। मैंने कहा ठीक है भाई इतना बता दिया, इतना उपकार क्यों कर रहे हो? फिर बच्चा बोलता सर समरी बता दो। मैंने कहा ठीक है बताओ। देखे सर देखो कोई भी सेंटेंस हो ना, सेंटेंस, सेंटेंस जब शुरू हो, सेंटेंस जब स्टार्ट हो, तो उसका जो पहला वर्ड है उसका पहला अक्षर हमेशा कैसा आएगा? कैपिटल लेटर। कैसा आएगा? कैपिटल लेटर, बड़ा आएगा।
ओके ये यहाँ पर माय एम कैसा आ गया, बड़ा आ गया। फिर मैंने कहा आगे टावरो, जैसे सर किसी कोई भी प्रॉपर नाउन हो, क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का भी नाम है, कोई भी चीज का नाम है, अगर किसी का नाम है, नाम का पहला अक्षर हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। ओके टावरो ये भी क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा और क्या 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 सीखा, जैसे सर अपन ने आई भी तो देखा, मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही कही, तो सर जो आई है ना आई, ये कहीं पर भी आ जाए सेंटेंस में सर, अगर अकेला आ रहा है सर तो इसको आप कैपिटल में लिखना। मैंने कहा ओके टावरो अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब तो भाई मैं गलती नहीं करूंगा, तो सर अब आगे करके बताओ। मैंने कहा ठीक है यार अब मैं कर लेता हूं, तो आगे ओ सर मोहन ये तो बिल्कुल सही लिखा है, तो अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे क्या है वो ध्यान से देखना, मोहन इज वेरी लेजी, मोहन इज वेरी लेजी, ओ सर यहां गलती की थी। मैंने कहा ओ मिल गई, देखो अब मतलब यहां पर गलती की थी, लेजी का एल मैंने कैसा लिखा था, बड़ा लिखा था, यहां कैसा आएगा, छोटा आएगा। क्यों आएगा छोटा, क्योंकि सेंटेंस का पहला अक्षर कैसा होता है, बड़ा होता है, बाकी तो सब कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। नेक्स्ट आगे ओ सर यहां पर तो फुल स्टॉप आ गया, बिल्कुल टावरो यहां फुल स्टॉप आ गया, ना फुल स्टॉप के लिए वरना आगे नहीं जाना, वरना कहीं तो भाई दादरो की खान, हमें लक्ष्मण रेखा बताओ, लक्ष्मण रेखा खींच ली, उसके बाद भी सीता मैया बाहर चली गई, तो दादरो नहीं भयंकर तांडव हुआ था, याद है ना आपने बेटा जी। आगे तो सर यहाँ पर वी का डब्ल्यू कैसा आएगा, टावरो बड़ा आएगा, वेरी गुड टावरो, इतने अच्छे बच्चे हो तुम यार, मैं क्या बताऊ तुम यार, मुझे सीखने को मिलता है आप सभी के साथ। तो वी उसके बाद बच्चों क्या हो गया, वी लिव इन ए, वो सर सेम कॉलोनी, पास ही सेम मिस्टेक की थी, बताओ टावरो जेके सर, मैं बार बार थोड़ी बताया जाता, मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया, सेंटेंस जब स्टार्ट हुआ था उसका पहला अक्षर बड़ा आ गया, बाकी के सब छोटे लिखना है, ओके मैं छोटे लिख दूंगा, यहां पर क्या आ जाएगा टावरो, सेम कॉलोनी, क्या आ जाएगा, सेम कॉलोनी, ये देखो यस, देखो मेरा कितना बरोबर एक हरका है, अठे देखो मोटू है, वो देखो फर्क है बेटा जी, अठे फर्क है कि नहीं, ओ सर कितना फर्क तो है, घणो मोटू फर्क है, फर्क बताओ, ये फर्क देखो कितना बड़ा फर्क है, देखो टावरो ये फर्क देखो, देखा फर्क तुमने, दुनिया भर का फर्क है कि नहीं है, यस यस यस, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यार, सीधी सी बात है, आपको पता लगाना है मिस्टेक कहां हो रही है यार, उसके बाद तो अपन तोप है। आगे वी लिव इन अ सेम कॉलोनी, ओके सर अब ये सही आपने कर लिया सर, यहां तक तो हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट लेजी, क्या बोला, आई एम नॉट लेजी, भाई मैं तो कोई लेजी नहीं हूं, देखो यहां पर आई कैसा है, बड़ा है, एकदम सही लिखा है, आई एम नॉट लेजी, ओके आई एम नॉट लेजी, एंड ओ सर ये आई आई में क्यों आगे आई आई जेके का आई रे, जब मैं देख जाओ कोई नहीं आई बारह बेटा, आई सर ये आई भले, मैंने क्या बोला था सर, मैंने कहा क्या बोला था जेके सर, आई कहीं पर भी आ जाए अगर अकेला है, आई आई यानी मैं, आई कहीं पर भी आए अगर अकेला है, मैं के सेंस में आ रहा है, मैं आई यानी किसने किया, मैंने किया, आई हैव डन इट, मैंने किया ये, आई तो आई हमेशा कैसा आएगा टाबरो, बड़ा आएगा, पक्का क्लियर हुआ क्या, आई कैसा आएगा, बड़ा आएगा, ओके सर मोंठा पड़ी बस सुन सुन, आई लाइक सर इंग्लिश, सर वी लव इंग्लिश, हमको पता है सर हमको इंग्लिश से प्यार है, इंग्लिश से प्यार उतना ही करो कि काम निकले, ये ध्यान रखना, भारत ये हम है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी से प्यार है, इंग्लिश इसलिए सीखते हैं ताकि काम चल सके, हिंदी आनी चाहिए बच्चा लोग, और वो भी शानदार हिंदी आनी चाहिए, संस्कृत हिंदी ये अपनी यार अपनी जड़े हैं, इनको मत भूलो। आई लाइक इंग्लिश का ई सर कैसा आएगा, बड़ा आएगा, ओके टावरो, मैंने कहा क्यों, अजय सर बार बार बताना पड़ता है इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का नाम है, ओके एंड सो आगे क्या आया, सो इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्या यहां तक सभी के दिमाग में सारे डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी बता दो मुझे टावरो, जल्दी बता दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्या यहां तक कोई डाउट किसी को, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट, आप वहां पर टिप्पणी में लिखो ताकि मैं उसका हाथों हाथ समाधान करूं। आफ्टर दिस ये हो गया ना टावरो, अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, रुकने का काम नहीं है भाई, ना रुकेगा तू कभी, ना थकेगा तू कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चलो क्लियर यहां तक, आगे बढ़ू मैं, जल्दी बताओ क्या इसमें कोई डाउट, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं, वो सर रिकैप करो जल्दी से, रिकैप एक बार वापस समरी में बता रहा हूं,
कोई भी सेंटेंस का पहला जो शब्द है, सेंटेंस का पहला शब्द का पहला अक्षर कैसा आएगा? कैपिटल लेटर बड़ा आएगा, ओके। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कोई भी प्रॉपर नाउन, किसी का भी नाम है, जाति, वस्तु, स्थान, जिसका नाम लेना है लोग, किसी का भी नाम जो है, नाम का पहला अक्षर हमेशा कैसा आएगा? बड़ा आएगा। रियलमी का फोन, आर बड़ा आएगा। शाओमी कंपनी, एक्स बड़ा आएगा। अपने एप्पल का ले लो, ए कैसा आएगा? बड़ा आएगा। सैमसंग का एस कैसा आएगा? बड़ा आएगा। कोई भी कंपनी नाम हो गया भाई, सीधी सी बात है, कैसा आएगा? बड़ा आएगा। दूसरी बात, बड़ा आएगा, दही बड़ा आएगा ना रे बेटा जी, दही बड़ा नहीं। आगे नेक्स्ट, उसके बाद आई, आई जो है वो कैपिटल लेटर, आई हमेशा कैपिटल, बड़ा आएगा, कैसा आएगा? बड़ा। लेकिन किसी स्पेलिंग में है ओके टाबरो, तो ध्यान रखना, यूनिक है, मार्सन पर फंसा हुआ कटे। अब बताओ ये आई यहाँ पर क्या अकेला है? ना, ने सपोर्ट में आई ने एल ने वीन हैंग उबा है यू, ये दोस्त या उबा है ना? बताओ वो आई एक लो थोड़ी है, वो एक बे तीन, तीन तीन मना करने के उबा है, एक दो तीन अटे, वो आई एक लो नहीं है तो हम देखी जा रही है टाबरो, आई एक लो नहीं है अटे, अन्य हाथी एन उबो है प्लस एक, एक आदमी उबो है अटे, बारह एक उबो है, तो बेटा जी ये अकेला नहीं है, जब अकेला हो तो बड़ा आएगा। इसी के साथ आज का सेशन होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और आई होप आपको समझ में आया होगा कौन कौन से बच्चे हैं जो सेटिस्फाइड है कि हाँ सर हमको आज कुछ नया सीखने को मिला। ऐसे बच्चे जिनको नया सीखने को मिला और जो पहली बार आए हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो यार। देखो बच्चों, लाइक तो किया ही नहीं तुमने, चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो आपकी एक ड्यूटी, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे रोज डेली आऊ लाइव, तो आपकी एक ड्यूटी जो मैं आपको दे रहा हूं वो सुनो। ये वीडियो फिनिश होने के बाद इस वीडियो का जो लिंक है, वो लिंक यहां से, ये यहां से शेयर का ऑप्शन आता है, देखो टाबरो कहां से, ये लिंक का, ये कॉपी करना, यहां से लिंक कॉपी किया, फिर आप ये देखो यहां से जैसे शेयर का ऑप्शन आया, कॉपी लिंक, यहां से लिंक कॉपी करके अपने स्टेटस में, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, जितनी जगह है, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेंबर्स सब में शेयर करो। ये ऐसे टॉपिक में पढ़ा रहा हूं जो आपके स्पोकन में, जो आपके राइटिंग में, जो आपके रीडिंग में, जो आपके सब जगह हेल्प करने वाले, ऐसे बेसिक टॉपिक में ले रहा हूं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कौन से टॉपिक ले रहा हूँ? बेसिक टॉपिक, जो ना छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ाई करने वाला, पढ़ाई न करने वाला, घरेलू इंसान हो, कोई भी भले कैसा भी इंसान हो, उसके लिए काम के हैं ये सारे वीडियो। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। कल आ जाना सभी, ठीक है, सही टाइम पे 9 बजे। बाय। एंड हाँ, गुड नाइट बोल, गुड नाइट मत लिखना, जय महादेव लिखना, आई लाइक जय महादेव। बाय। मेरा भोला है भंडारी करे।